प्रदेश में ठंड का कहर लगातार जारी है, तो वहीं ठंड के कहर को देखते हुए जिले के डीएम ने रायपुर में जरूरतमंदों के बीच पहुंचकर कंबल का वितरण किया। बताया जा रहा है कि यहां पर समाज सेवी भी लगातार लोगों में गर्म कपड़े कंबल वितरित कर रहे हैं। इस दौरान डीएम ने स्थानीय प्रशासन को सख्त आदेश दिया और कहा कि यहां पर जरूरतमंदों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न आए। गरियाबंद जनदर्शन की शुरुआत की गई। यहां पर बताया जा रहा है कि जिले में हो रहे अपराधों पर लगाम लगाने के लिए यहां पर नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक ने अनोखी पहल से जनदर्शन का आयोजन किया। बता दें कि अपराधों पर लगाम लगाने से सख्त निर्देश देते हुए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। मुख्य उद्देश्य यह है कि जैसे ग्रामीण क्षेत्र यहाँ बहुत ज्यादा है गरियाबंद जिले में, और जैसे देवभोग है यहाँ से 130-132 किलोमीटर पड़ता है, और लोगों की समस्याएं प्रॉपर नहीं सुनाई हो पाती है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक दिन का यहाँ पर जनदर्शन कार्यक्रम रखा है, और जिससे कि जनता से हम रूबरू हो सकें और उनकी समस्याओं का समाधान। वहीं बस्तर के कोलावल और केशरपाल में वार्षिक मेले का समापन हुआ। बता दें कि इस मेले में विभिन्न परगना से लोग पहुंचकर देवी देवताओं को विधिवत पूजा अर्चना की गई, और इस मेले में कई गांव परगना जिले से आए देवी देवता जनजाति परंपरा नीति नियम का प्रदर्शन किया गया। गांव के पुजारी मांझी ग्राम प्रमुखों ने अतिथियों को बधाई दी। बस्तर संभाग स्तरीय में प्रथम मेला कोलावल केशरपाल करपांडव मूली बस्तर कोटगढ़ जैतगिरी पड़ागढ़ अमरावती में परंपरा को दर्शाता है, जिसमें आए हुए अतिथियों को फूलमाला से स्वागत किया गया।